नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ पिलाई 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। कौन थाना अंतर्गत पड़वक्ष गांव में आजादी के बाद भी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। आपको बता दें कि सोनभद्र जिला से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर चौपन ब्लॉक के अंतर्गत कौन थाना क्षेत्र के पड़वक्ष ग्राम सभा में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है ग्रामवासी। कई बार योजनाओं को लागू करने की कोशिश में नाकाम रही सरकार। टेढ़े मेढ़े दांत, पीले कमरूम, बूढ़े दिखना कई समस्या से पीड़ित हैं, फिर भी सरकार नहीं चेत रही है। फ्लोराइड युक्त गांव में पानी की सुविधा खटाई में पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बड़े बड़े अधिकारी आए लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाए। विश्व स्तर से भी फ्लोराइड युक्त गांव में कई बार अधिकारियों का दौरा होने के बावजूद समस्या जैसी की तैसी बनी रही। अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, समस्याओं से प्रेरित होने के बाद भी तक फ्लोराइड युक्त पड़रक्ष ग्राम सभा में पानी की सुविधा नजारत रही है। नाले का पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। कई बार गरीब आदिवासी ग्रामीणों ने बताया है कि शौचालय, हैंडपंप, आवास और राशन में कटौती आदि अन्य समस्याएं से घिरी हैं यह ग्राम पड़रक्ष। कौन सा गांव है ये? कब से समस्या है यहाँ पे? समस्या क्या सर, यहाँ तो समस्या 20 साल से है, पर हम लोग यहाँ मतलब 4-5 साल से रह रहे हैं। पानी का समस्या है, लाइन मान लीजिए समस्या था तो लाइन का तो हो गया। खाना हम लोग जंगल से खाना बनेगा नहीं लाएंगे तो फिर बच्चे खाएंगे, गैस सिलेंडर भी नहीं मिला है। लेकिन एक चंपा दल है, अब हम लोग कितना दूर से पानी ढोते होंगे समझ लीजिए। पानी उधर चापा कल नहीं है? नहीं सर, बैंक का व्यवस्था यहाँ था, बैंक का व्यवस्था देखिए यहीं तक है, पर उधर नहीं गया। बोल रहा है उधर दूसरा ठेकेदार करेगा, वो पड़रस्ट में ही है लेकिन दूसरा ठेकेदार कैसे करता है? उसको इतना समझना चाहिए कि उधर भी आदमी है, उधर भी घर है। 10 वोट दे दिया के लिए, कनेक्शन के लिए वोट दे दिया कि नहीं कनेक्शन हो गया है, लाइट चला जाएगा, लेकिन यहीं से बंद करके चला गया। अभी तक उधर कनेक्शन भी नहीं हुआ, उधर कोई सुविधा उधर के लिए नहीं हो पा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।